हेलो, मैं हूँ गरिमा। एंड फ्रेंड्स, अगर आप अपनी झड़ते हुए गिरते हुए बालों की समस्या से बहुत ज्यादा है परेशान, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस समस्या का समाधान। फ्रेंड्स, हम सभी अपने घर में हीना का यूज करते हैं, पर हम एक सही तरीके से हीना का यूज करें जिसकी वजह से आप हेयरफॉल कंट्रोल कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे मेथड बताने वाली हूँ जिसका यूज करके आप हेयर फॉल की समस्या से 85% कंट्रोल पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पर उसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। जो आज मैं मेथड आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, उसका यूज करके ना ही सिर्फ अपने गिरते हुए झड़ते हुए बालों की समस्या का समाधान पाएंगे, साथ ही साथ ये आपके हेयर को सिल्की, शाइनी और स्मूथ बनाएगा और लॉन्ग भी बनाएगा और घना भी बनाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें मेहंदी बनाने के लिए सबसे पहले हमें पानी को थोड़ा बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद उसमें हल्का जो बॉईल होने लगे तो उसमें ग्रीन टी, थोड़ी सी हमें ग्रीन टी इसमें ऐड करनी है। इस तरीके से एक चम्मच ग्रीन टी आप उसको ऐड करके ग्रीन टी वाटर बना लीजिए। इस तरीके से तो ग्रीन टी का जब प्रोसेस हो रहा है तब तक मैं आपको बता दूं कि आपको अपने अनुसार जितना भी आपको मेहंदी अपने हेयर में यूज करेंगे आप उतना मेहंदी लीजिए। आप कोई से भी हीना यूज कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने नेचुरल का हीना यूज किया है। आप कोई भी हीना यूज करिए जो केमिकल फ्री होती है और जिसमें कोई भी चीज मिक्स ना हो। खैर, आप नूपुर भी यूज कर सकते हैं, नेहा, साहिबा, बहुत सारी मेहंदी आती है जो नेचुरल होती है, आप वो मेहंदी भी आप यूज कर सकते हैं। आप इतना ही मेहंदी लीजिए जितना कि आपको जरूरत है, जितना आपके बालों में अच्छे से लग जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इतना ले लिया है। देखिए, मैंने यहाँ पे ये बना लिया है, ये मेहंदी है। एंड जो एक चीज मैं बताऊंगी फ्रेंड्स, अगर आप मेहंदी, ये आंवला है, कच्चा आंवला यूज कर रहे हैं आप, ये आंवले को देखिए, आप ये देख रहे होंगे ये बॉइल हो चुका है हमारा, तब मैं इसको कर देना है बंद इस तरीके से। तो मैं जैसे कि बता रही थी आपको कि आप आंवला इस तरह सुखा करके आप इसको पीस के इस तरीके से पाउडर बना लीजिए, उसके बाद आप इसको यूज करिए। तो उसके बाद देखिए, मैंने पाउडर बना लिया है, तो मैं इसमें एक चम्मच मैं इसमें यूज कर रही हूँ आपका आंवला पाउडर। आंवला पाउडर एक चम्मच डाल देना है। उसके बाद आप देखिए, मैंने यहाँ मेथी का यूज किया है, मेथी मैंने पाउडर बना लिया है। पाउडर बनाने के बाद जितना हमने आंवला यूज किया था उतना ही हमें इसमें इस तरीके से मेथी डालना है। देखिए, मेथी डाल के हमने मिक्स कर दिया। उसके बाद ये जो हमारा ये वाटर है, ये अच्छे से हो जाए, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, उसके बाद इसको हम यूज करेंगे। क्या है, कड़ी पत्ता। आप चाहें तो इस कड़ी पत्ते को सुखा के आप इसका पाउडर बना करके आप इसके पाउडर का यूज करें, आप स्टोर कर लीजिए, आप तब उसका यूज करिए। और चाहें तो आप इसको इसी तरीके से ग्रीन को, इसको ये जो इसकी हरी पत्तियों को पीस के, इसका पीस के इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊंगी इसको ऐड कब करना है। तो इस तरीके से हमने सारी चीजें ऐड कर ली हैं। उसके बाद देखिए, हमारा ग्रीन टी वाटर भी रेडी ऑलमोस्ट हो चुका है। इसको अच्छे से ग्रीन अच्छे से निकाल देंगे, ये मैंने अच्छे से सारी चीजें मिक्स कर दी है। मिक्स करने के बाद ये इसको इसमें डालना है, थोड़ा गुनगुना ही डालना है और इसको मिला देना अच्छे से। इस तरीके से इसको डाल के मिला लीजिए फ्रेंड्स। ये तो मेरा प्रोसेस है उसके लिए कि मुझे मैं ब्लैक मेहंदी यूज करती हूँ, इसलिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ। बट आप अगर ब्लैक नहीं यूज करना चाहते हैं, थोड़ा सा रेडिश कलर या थोड़ा सा वर्गांडी कलर आपको चाहिए, तो आप इस मेहंदी को नॉर्मल बर्तन में, लोखन के, मतलब ये लोहे का मैं जिन्होंने बाउल यूज किया है, आयरन का बाउल यूज ना करके आप नॉर्मल किसी स्टील के बर्तन में या किसी अदर बर्तन में आप इसको रख के तब भी इसका यूज कर सकते हैं रात भर भिगो के। तो इस तरीके से जो मैंने इस तरह पेस्ट बनाया है, आपको इस तरीके से कैसे अप्लाई करना है। मैं एक चीज यहाँ बोलूंगी फ्रेंड्स कि जैसे कि बहुत लोग एग यूज करते हैं इसमें, तो अगर आप एग इसमें डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको अगर आप एग लगा के यूज करते हैं तो फ्रेंड्स आपको इतना ध्यान रखना है कि एग अगर आप लगा रहे हैं तो एग को आपको सिर्फ और सिर्फ मेहंदी एक घंटे से ज्यादा नहीं रखनी है, उससे ज्यादा आप मत रखिए कि एग होता है गर्म और सर में बहुत ज्यादा गर्म चीजें हम नहीं रख सकते हैं ज्यादा देर तक की। तो एक घंटे से ज्यादा आप उसको मत रखिए अपने हेयर पे,
ठीक है फ्रेंड्स, एंड मैं इसमें मैं एग वाला आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि एग में एग को मैं किस तरीके से मेहंदी में डाल के लगाती हूँ, उसमें मैं कुछ अलग ही इंग्रेडिएंट यूज करती हूँ। तो ये तो था जब आपके बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, आपके हेयर फॉल ज्यादा हो रहे हैं तो आप किस तरीके से मेहंदी को यूज करेंगे, एंड ताकि आपके हेयर फॉल कम हो जाए और आपके बाल सिल्की स्मूथ और शाइनी नरिश लगे। तो देखिए, अगर आप देख रहा होगा, देखिए फ्रेंड्स अभी भी ये देखिए साइड में ब्लैक होना स्टार्ट हो गया। इस तरीके से अगर आप पूरी रात रखेंगे फ्रेंड्स, तो सोचिए कितना अच्छे से हो जाए। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी, क्योंकि अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दिख रहे हैं आप, ब्लैक हो रहा है, ये हो जाएगा अब रात भर में ब्लैक। और मैं इसको ये अच्छे से मिक्स करूंगी, क्योंकि अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है। देखिए इसमें थोड़े से गड्ढे पड़ गए हैं, इस वजह से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि अच्छे स्मूथ एक पेस्ट मुझे मिल जाए। ये आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं, आपके नॉर्मली बाल अगर झड़ रहे थोड़े मोड़े तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको हेयर फॉल की ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से लगाइए। बाकी मैं लगाते समय आपको बताऊंगी कि आपको इस चीज का कैसे यूज करना है और कब यूज करना है। ये आपके हेयर कंट्रोल को, हेयर फॉल कंट्रोल करेगा, साथ ही साथ आपके जो स्कैल्प में फंगस ईचिंग वगैरह होती है उसको भी हटाएगा, आपके बाल को नरिश करेगा, सिल्की बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। मैंने आंवला इसमें यूज किया है, वो आंवला आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग करता है। और मैंने इसमें ग्रीन टी यूज किया है, ग्रीन टी आपके बाल, आपके पीएच को, और आप देख रहे होंगे पहले कंपेयर से कलर भी थोड़ा हद तक चेंज हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें ब्लैक होना स्टार्ट हो गया है साइड साइड से। ये आपको रात भर में जब मैं भिगो दूंगी तो आपको ब्लैक पूरा प्रॉपर ब्लैक मिल जाएगा। अगर आप ब्लैक नहीं यूज करना चाहते तो आप नॉर्मली इसको रख के एक घंटे ओवरनाइट नॉर्मल किसी कंटेनर में, किसी नॉर्मल किसी कंटेनर में रख के आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसको सुबह दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं रात भर जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट बताया था, उस इंग्रेडिएंट को ऐड करके देखिए मैंने कितना थोड़ा सा मेरा ये ब्लैकिश कलर इसमें आ रहा है। आप देख सकते हैं इसे किनारे किनारे। कड़ी पत्ता यहाँ पे हमें ज्यादा नहीं, इतने में मैंने मेरे को मिक्स करना है। ये तीन का इस तरीके से लीफ निकाल लूंगी, तीन कड़ी पत्ते का इसमें। कड़ी पत्ता हमारे लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ये हमारे इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है इसका यूज करने से हमारे हेयर में। एंड इस तरीके से मैंने ये कुछ ये पत्तियां हैं इसकी, जिसको बोलते हैं गुड़हल का फूल, गुड़हल की मैंने कुछ यहाँ पत्तियां ली हैं। इस तरीके से हमें चार पत्तियों की जरूरत है, यहाँ पे चार पत्तियां मैंने, इतने में मैंने इसमें चार पत्तियां डाली हैं। इस तरीके से इसको ऐड कर देना, जो इसका ये पार्ट है उसको निकाल के साइड कर देना। उसके बाद हमें चाहिए इसमें नीम की पत्तियां, फ्रेश नीम यूज करिए आप, फ्रेश नीम। मैं हमेशा कोशिश ये करती हूँ पाउडर ना लेके मैं नेचुरल नीम का चीज यूज करूँ, नीम ही यूज करूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इन सब चीजों का पाउडर ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, आप खुद बना सकते हैं इसका पाउडर। जितना हमने कड़ी पत्ता यूज किया था उतने ही हमें इस नीम पत्ती की जरूरत है, मतलब तीन लीफ हमें नीम की चाहिए होगी। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, ये हमें इसका बनाना है पेस्ट। पेस्ट बनाने के बाद इसमें करना है हमें ऐड, उसके बाद करना है अप्लाई। चलिए फ्रेंड, पहले इसको पेस्ट बनाते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये देखिए मैंने पेस्ट कर लिया तैयार इसका, इस तरीके इसका पेस्ट किया है तैयार। तो अब इसको हमें इसमें डालना है, हमें एक चाहिए बर्तन जिसमें मैं इसमें पलट सकूं, ताकि ये आप खुद देख रहे होंगे काफी हद तक ये भर गया है, तो इसमें अच्छे से नहीं आएगा, मिक्स नहीं होगा। तो मुझे इसमें ये डालना है अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे नॉर्मल मेहंदी का कलर ना आके हल्का सा ब्लैकिश कलर आ रहा है, मुझे ऐसे ही कलर अच्छा लगता है नॉर्मली, मैं इसी तरीके से लगाना पसंद करती हूँ। मेरा एक और वीडियो है इसके ऊपर, जो कि मैंने इसमें बताया है कि आप विंटर में किस प्रकार मेहंदी का यूज करें, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। एंड इस तरीके से ये तो बेसिकली ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ आपको, जब आपके हेयर फॉल ज्यादा हो रहे हो तो आप इस पेस्ट को, इस तरह जो हमने ये मिश्रण तैयार किया था जो आपको मैंने बताया था, इसको हमें इसमें डाल देना है इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इसको मिक्स कर देना है।
आप चाहें तो इसको गाढ़ा पेस्ट रख सकते हैं, मेरे को थोड़ा सा इस तरीके से पेस्ट चाहिए था इसलिए मैंने इस तरीके से रखा। अगर आप चाहें तो जो मैंने ग्रीन टी का जो वाटर डाला था वो वाटर आप कम डालिए, इसकी वजह से आपको थोड़ा गाढ़ा पेस्ट मिलेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हो चुका है रेडी लगाने को। बहुत लोग इसमें कत्था का यूज करते हैं, कत्थे का यूज आप तब करिए जब आपको ब्लैक नहीं करना हो, वो हमें ब्लैक कलर नहीं देता, वो हमें कुछ कत्थई कलर देता है, जैसे बर्गंडी इसको बोलते हैं, बर्गंडी कलर का हमें देगा वो। फ्रेंड्स जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने अपने बालों में अप्लाई किया, इस तरह आपको अप्लाई करके अपने बालों को 2-3 घंटे छोड़ दीजिए, फिर नॉर्मल वाटर से वॉश कर दीजिए। शैम्पू मत करिएगा, शैम्पू आपको नेक्स्ट डे करना है, आप ओवरनाइट तेल आके छोड़ दीजिए। तो फिर जैसा कि आपको मेरे बाल काफ़ी दिख रहे होंगे सुलझे हुए, शाइनी और सिल्की, इसी तरीके से इसी मेथड से अप्लाई करने से ना ही सिर्फ आपके बाल हेयर फॉल कंट्रोल होंगे, साथ ही साथ आपको इसी तरह का टेक्सचर मिलेगा, ब्यूटीफुल टेक्सचर, लंबे घने काले बाल आपको मिल जाएंगे। एंड इसी तरीके से आप अपने घर पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो बालों को कवर करने के लिए शावर कैप का या फिर पॉली का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने वन टाइम यूज करके अपने बाल, मेरे बाल काफी शाइनी सिल्की और स्मूथ लग रहे थे, काफी अच्छा उसका टेक्सचर आ रहा था। तो उसके लिए आप इन सब चीजों को अप्लाई करिए अपने बालों में और अपने हेयर फॉल छुटकारा पाइए। और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दे दीजिए, एंड साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका हेयर फॉल कंट्रोल हुआ कि नहीं। एंड फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिए। Me akhiyan ch paale akhiyan me